ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते। रात 9 बजे के एपिसोड में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। प्यारे दर्शकों, हर एपिसोड में हम आपके लिए लेकर के आते हैं कुछ खास और कुछ उत्तम जानकारी। हमारी कोशिश होती है कि जो भी जानकारी, जो भी उपाय हम आपके लिए लेकर के आए, उन उपायों से आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ की प्राप्ति हो। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, जैसे कि वीडियो के टीजर में भी आपने देखा है, 16 फरवरी माघी पूर्णिमा। जी हाँ साथियों, यूं तो एक साल में बहुत सी पूर्णिमा तिथि आती हैं, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा महत्व अगर किसी पूर्णिमा तिथि का है तो वह माघ के महीने में आने वाली पूर्णिमा, जिसको माघी पूर्णमासी कहा जाता है, सबसे ज्यादा फल देने वाली, सबसे ज्यादा पुण्यदायिनी, सबसे अहम, सबसे खास कहा गया है। जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि 16 फरवरी माघी पूर्णिमा के दिन आपने अपने हाथ से क्या दान करना है, जिससे आपके घर में कभी भी गरीबी ना रहे, आपके परिवार में कभी कोई संकट ना रहे। एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। बड़ी मेहनत से और बड़ी लगन से हम आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट, अच्छी अच्छी जानकारी लेकर के आते हैं। आपका भी कर्तव्य बनता है कि जो एपिसोड हम आपके लिए लेकर आते हैं उसको आप पूरा ध्यान से देखें, ताकि हम आपके लिए जो मेहनत करते हैं वो मेहनत हमारी सफल हो सके। तो प्यारे बंधु जनों, चलिए अब देवी दुर्गा मैया को नमस्कार करते हुए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। जयकारा माँ शेरों वाली का बोल साचे दरबार की जय। कि हे माता रानी, इसी तरह अपने चरणों का दास बना करके जगत का कल्याण करती रहे और सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो मेरे प्यारे दर्शकों, एक बार फिर मैं पंडित नितिन शास्त्री आज के एपिसोड पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो प्यारे दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं माघी पूर्णिमा। जी हाँ, माघ के महीने में शुक्ल पक्ष को आने वाली पूर्णिमा तिथि, जो कि इस साल 16 फरवरी को आ रही है, बहुत ही खास और बहुत ही अहम पूर्णिमा तिथि कहा गया है। साथियों, माघी पूर्णिमा के दिन आप जो भी दान करते हैं उसका कभी भी क्षय नहीं होता, इसलिए इस दिन माघी पूर्णिमा के दिन जो आप दान करते हैं उससे आपको अक्षय फल प्राप्त होता है। यूं तो एक साल में बहुत सी पूर्णिमा तिथि आती हैं और प्रत्येक पूर्णिमा तिथि का कोई ना कोई विशेष महत्व होता है, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ जो आने वाली ये माघी पूर्णिमा है इसके दिन आप क्या दान करें और किस दान के करने से क्या फल आपको मिलने वाला है अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार, अपने भाई बहन, रिश्तेदार, मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि महत्वपूर्ण जानकारी अन्य भक्तों तक भी पहुंच सके। प्यारे बंधु जनों, हमारा कभी भी ये उद्देश्य नहीं रहा है कि केवल व्यूज हम बढ़ाएं। हमारा उद्देश्य होता है भले हमारे वीडियोस पर व्यूज कम आए, लेकिन उन वीडियोस में जो जानकारी हम आपके लिए लेकर के आए उनसे आपको 100% रिजल्ट, 100% लाभ प्राप्त होवे। तो चलिए अब अपने आज के जो प्रयोग है उससे मैं आपको अवगत कराता हूं। प्यारे बंधु जनों, माघी पूर्णिमा जो कि 16 फरवरी को आ रही है, इस दिन आप किसी भी पवित्र नदी में जाकर के स्नान करें, या अगर आपके घर के आसपास कोई पवित्र सरोवर या कोई पवित्र तालाब है तो उसमें भी जाकर के आप स्नान कर सकते हैं।
अगर आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी नहीं है तो आप अपने घर में ही ताजा जल में थोड़ा गंगा जल डाल लें और स्नान करते समय ओम गंगाय नमः ऐसा बोलते हुए स्नान कर लें। आपको गंगा स्नान का फल घर पर ही प्राप्त होता है। उसके बाद आप शुद्ध वस्त्र धारण करें और आपने सबसे पहले जो कार्य करना है, डेली जो पूजा पाठ आप करते हैं वो काम भी आप कर लें। उसके बाद आपने अपने हाथ से दान करना है। क्या क्या वस्तुएं आप दान करेंगे, किस वस्तु के दान करने से क्या लाभ मिलेगा, अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मुझे पूर्ण आशा है कि आप ध्यान से इस जानकारी को सुनेंगे, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है एपिसोड को बनाने में। अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तभी मेहनत सफल हो पाती है। तो सबसे पहली वस्तु के बारे में हम बात करें तो तिल का दान। जी हाँ, हमारे सनातन धर्म में तिल का दान बहुत ज्यादा पुण्य को देने वाला कहा गया है। हमारे शास्त्रों के अनुसार विष्णु भगवान के पसीने से तिल उत्पन्न हुए हैं। तीन प्रकार के तिल होते हैं, काले तिल, सफेद तिल और भूरे तिल, जिनको कि कपिलावर्ण के तिल भी बोलते हैं। ऐसी मान्यता है कि पूर्णिमा तिथि के दिन और खासकर जो ये माघ की पूर्णिमा आ रही है इसके दिन अगर आप तिल का दान करते हैं, चाहे आप सफेद तिल का दान करें या काले रंग के तिल या कपिला तिल का दान करें, आप अगर सच्चे मन से तिल का दान करते हैं तो आपके परिवार में कभी भी किसी तरह का कोई भी घरेलू कलेश नहीं होगा। अगर आपके परिवार में सुख शांति का अभाव रहता है तो आने वाली 16 फरवरी माघी पूर्णिमा को आप तिल का दान जरूर करें। आपके परिवार में हमेशा हमेशा के लिए सुख शांति का वास होगा। बात करते हैं अगली चीज के बारे में जो आप दान करेंगे, तो अगली जो चीज है वो है चावल का दान। जी हाँ, पूर्णिमा तिथि के दिन सबसे ज्यादा पुण्य किसी चीज को दान करने से अगर मिलता है तो वह है चावल का दान, जिसको संस्कृत में अक्षत भी कहते हैं, अर्थात जिसका क्षय ना हुआ हो, जो टूटे हुए ना हो। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि माघ पूर्णिमा के दिन जो चावल आप दान करते हैं वो साफ सुथरे चावल होने चाहिए, अच्छे चावल होने चाहिए। चावल का दान आप अपने कुल पुरोहित को, अपने ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। माघ पूर्णिमा को चावल का दान करने से आपको लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की और लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त होती है। माघ पूर्णिमा के दिन जो जो भी सच्चे मन से चावल का दान करते हैं उनके परिवार में कभी भी वैभव की और सुख शांति की कमी नहीं रहती। तो अगर आप चाहते हैं कि नारायण जी की कृपा आपको प्राप्त हो तो आने वाली माघ पूर्णिमा को चावल का दान जरूर करें। बढ़ते हैं अगले चीज के बारे में चर्चा करते हैं, तो अगली चीज है गेहूं का दान। जी हाँ, हमारे सनातन जो हिंदू धर्म में हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जो भी मनुष्य अपनी इच्छा से गेहूं का दान करता है उसमें क्वांटिटी नहीं होती कि आपने 10 किलो करनी है, आपने 20 किलो करनी है, जितनी भी आपकी क्षमता है उस हिसाब से आप गेहूं का दान कर सकते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन जो भी प्राणी सच्चे मन से गेहूं का दान करते हैं ऐसे लोगों के पास सदा लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है। माघ पूर्णिमा के दिन गेहूं का दान करने से परिवार में पैसा बढ़ता है, परिवार में बरकत होती है और गरीबी का नामो निशान नहीं रहता। तो गेहूं का दान जरूर से जरूर करें माघ पूर्णिमा के दिन। किसी गरीब को भी या मंदिर में या अपने कुल पुरोहित को, ब्राह्मण को भी आप दान कर सकते हैं। बात करते हैं अगली वस्तु के बारे में, तो अगली वस्तु है वस्त्र का दान। हमारे शास्त्रों के अनुसार अगर हम बात करते हैं कि कौन सा दान ऐसा होता है जो मनुष्य के पुण्यों को बढ़ाने वाला होता है, तो उसमें सबसे अहम स्थान पर अगर कोई वस्तु आती है तो वह वस्त्र है। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में कभी किसी
किसी चीज की कोई कमी ना हो आपके परिवार में, कभी कोई रोग ना हो, कभी कोई बीमारी ना हो आपके परिवार में, कभी किसी तरह का कोई संकट झंझट ना हो। तो आने वाली माघ पूर्णिमा को अगर आप वस्त्र का दान करते हैं, आप किसी जरूरतमंद को भी वस्त्र का दान कर सकते हैं, या फिर आप मंदिर में जाकर के भी वस्त्र का दान कर सकते हैं, जैसे आपको जहां पर भी ठीक लगे वहां पर आप वस्त्र का दान कर सकते हैं। तो अगर आप वस्त्र का दान करते हैं तो आपकी जन्म जन्मांतर की जो पाप होते हैं वो नष्ट होते हैं, पुण्य में बढ़ोतरी होती है। तो इस तरह से ये मैंने आपको बताया कि माघ पूर्णिमा को आप क्या दान करें आपको क्या फल मिलता है। आशा करता हूं जानकारी बेहद पसंद आएगी। अगर एपिसोड अच्छा लगा है लाइक शेयर जरूर करें। आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय माता की। ओम नमः शिवाय।